नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली PCS में। आज देखते हैं, हमारा टॉपिक है पाली और प्राकृत में संस्कृत साहित्य, जो हमारी जीएस फर्स्ट पेपर की यूपी PCS मेंस के लिए जो सीरीज चल रही साहित्य में लिखा गया वैदिक काल में। उसके बाद जो काल आता है उसे वैदिकोत्तर काल बोला जाता है। उसमें देखेंगे आपके संस्कृत के साथ साथ पाली और प्राकृत में साहित्य लिखने की शुरुआत हो जाती है। अब संस्कृत साहित्य, एक बात जानते हैं आप, जो संस्कृत में साहित्य लिखा गया था उसे आम व्यक्ति पढ़ भी नहीं सकता था, क्योंकि शिक्षा सबके लिए अवेलेबल नहीं थी। तो कुछ सवर्ण जो वर्ग होता है उसके लिए ही संस्कृत में साहित्य सुलभ था और वही लोग उस भाषा को समझ भी सकते थे। तो बाकी आम जनता के लिए तो उसे मिल भी जाएगा साहित्य तो कोई फ़ायदा उसका होगा नहीं, क्योंकि भाषा समझ नहीं आएगी तो उसमें लिखी हुई चीज़ें क्या समझ लेंगे बोलो। लेकिन पाली और प्राकृत जो भाषा थी ये आम जन लोगों की भाषा थी। ये तो इसकी शुरुआत देखते हैं वैदिकोत्तर काल में संस्कृत के साथ साथ हो जाती है। और इसका जो प्रचलन है वो प्रमुख रूप से आप पढ़ेंगे कि बौद्ध और जैन धर्म जब आता है तो उस समय आपको मिलेगा कि इसकी लोकप्रियता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है ना। तो चलिए मतलब समझ लेते हैं, आगे देखते हैं फिर इन चीज़ों के बारे में। प्राकृत क्या मतलब क्या है कि ये संस्कृत जो मानक भाषा है आपकी उससे शिथिल ढंग से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, है उससे जुड़ी ही भाषा है ये, उससे जुड़ा ही ये शब्द। पाली क्या है, तो पाली प्राकृत जो भाषा है आपकी ये, तो ये उसके पुराने रूप को संकेत करती है, उसी का पुराने रूप का ही ये वर्जन है क्या पाली। चलिए तब आगे देखते हैं। अब ये तो बता ही दिया कि बौद्ध और जैन साहित्य जो लिखा गया वो अधिकांशतः इन्हीं भाशाओं में लिखा गया था। अधिकांशतः शब्द यूज हो रहा है, ऐसा नहीं था कि संस्कृत भाषा में भी लिखे गए थे बौद्ध और जैन साहित्य, लेकिन अधिकांशतः प्रमुखता से ये इन्हीं भाषाओं में प्राकृत और पाली में लिखे गए थे। और भगवान बुद्ध जो अपने उपदेश देते थे वो पाली भाषा का उपयोग करते थे, ठीक है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं पाली साहित्य। तो पाली साहित्य का उदाहरण सबसे अच्छा, जितने बौद्ध साहित्य लिखे गए हैं वो अधिकतर आपके पाली में ही लिखे गए हैं। तो बौद्ध साहित्य को हम लें जो कि भगवान बुद्ध के द्वारा ये इसका जो उपदेश थे उन सबके संकलन वगैरह हुए बाद में, तो वही सारी चीज़ें उन्हीं को संकलित करके बोल दिया गया कि ये बौद्ध साहित्य हैं। तो उनको देखते हैं, दो पार्टों में विभाजित कर देते हैं, कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल साहित्य, ठीक है ना। बौद्ध साहित्य को दो पार्टों में विभाजित कर दिया। कैनोनिकल में क्या आता है, तो त्रिपिटक आते हैं इसमें, जैसे ज्ञान की टोकरी बोला जाता है। नॉन कैनोनिकल में क्या आता है, तो जातक कथाएं और बोधिसत्व, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, पहले त्रिपिटक के बारे में जान लीजिए, जैसे ज्ञान की टोकरी बोला जाता है, तो इसमें कौन कौन से तीन पिटक आते हैं, तो एक तो आपका विनय पिटक, एक सुत्त पिटक और एक अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में क्या दिया है, पिटक का मतलब टोकरी समझ लो और ज्ञान की टोकरी। तो विनय पिटक में नियम और विनियम का संकलन दिया है, जो कि जो बौद्ध भिक्षु होते थे उन इन नियमों का पालन करते थे। वो सारे नियम किसमें संकलित थे, तो विनय पिटक में। सुत्त पिटक में क्या था, तो सुत्त पिटक में जो बुद्ध के संवाद और भाषण थे उनका संकलन इसमें सुत्त पिटक में था। और वो भाषण और संवाद किससे संबंधित थे, तो नैतिकता और धर्म से ही संबंधित थे, क्योंकि अधिकतर इन्होंने इसी पे भाषण और संवाद किया था भगवान बुद्ध ने। अभिधम्म पिटक जो दर्शन और तत्व मीमांसा पर केंद्रित है, ठीक है ना। तो ये PT में भी बहुत पूछा जाता है और मेंस राइटिंग में भी बहुत हेल्प करेगा आपकी कि कौन से में कैनोनिकल साहित्य में आता है, तो अभिधम्म पिटक और इन्हें मिलाने को आ जाता है PT में, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए, ये देख लेते हैं जो बौद्ध साहित्य का नॉन कैनोनिकल पार्ट है इसको, तो इसमें जातक कथाएं और बोधिसत्व आता है। तो जातक कथाओं में क्या आता है, तो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों के कहानियां दी गई हैं इसमें, कथाएं करीब 550 से बताया गया है इनमें जातक कथाओं में कि भगवान बुद्ध का जो बुद्ध के रूप में जन्म हुआ इससे पहले लगभग 550 जन्म पहले ले चुके थे। और बोधिसत्व में क्या बताया गया है, बोधिसत्व में बताया गया है कि इसमें भविष्य के बारे में बताया गया है कि क्या क्या जन्म वो आगे लेंगे, उसी चीज़ से संबंधित है ये नॉन कैनोनिकल साहित्य। तो इन चीज़ों से जो इनसे पता लगता है उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और उन सब के बारे में भी हमें बौद्ध साहित्य से पता चल जाता है। तो ये मैंने बता दिया कि आम जनता के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुआ बौद्ध और जैन साहित्य। कारण ये था कि
ये आम जन की भाषाओं में लिखा गया था और उसको उसी के ऊपर केंद्रित था भी ये, और इसे साधारण भाषा में उपयोग किया गया था बौद्ध और जैन जो मुनि हुए थे ऋषियों के द्वारा, है ना। और समस्या क्या थी कि जो जो आपका संस्कृत था उस पे सवर्ण वर्ग का जो अधिकार था, तो उससे एक आम जन संघ जो जन था वो उससे प्रभावित भी था कि हमें उस चीज़ में मतलब है कि एक तरीके से नेगलेक्ट किया गया है। तो जब ये साहित्य तो उनका समर्थन करने लगा बौद्ध और जैन साहित्य, तो इसको बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि जानते हैं कि बहुत बड़ा वर्ग है, जैसे कि उस समय राजाओं और महाराजाओं और कुछ जो ब्राह्मण थे उनको छोड़ के बाकी की जनसंख्या बहुत बड़ी थी। तो वो सब सारी जो जनसंख्या थी वो किसको सपोर्ट कर रही थी आमजन, वो इसी पाली और प्राकृत साहित्य में बौद्ध और जैन को। तो उस समय इन्हें बेस मिल गया अपने विकास के लिए बहुत बड़ा, तो इसीलिए ये प्रचलित भी हुआ। तो इसने आम जनता का जो विषय था उसको केंद्र में रखा और उसी से धर्म को भी प्रचार, इन्होंने धर्म का भी प्रचार किया, उपदेश भी दिए, और जहाँ जहाँ सभाएं वगैरह संवाद हुए वो सब आम भाषाओं में इन्हीं में पाली और प्राकृत में ही हुआ। और पाली मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म के जितने साहित्य हैं वो पाली से संबंधित हैं और जैन धर्म के प्राकृत भाषा से साहित्य संबंधित हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आगे है इसमें कि अब देखिए ऐसा ही नहीं था कि केवल इसी में रचना हुई थी इनकी, तो आगे इसमें देखेंगे आपके बुद्ध चरित्र जो कि अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था वो 78 ईस्वी में, वो संस्कृत साहित्य है, ये भी बुद्ध के जीवन के ऊपर, ये बुद्ध का बुद्ध चरित्र। तो लेकिन ऐसा ही नहीं है कि आप केवल ये लिखते हैं कि पूर्ण रूपेण पाली साहित्य पाली भाषा में ही लिखा गया है बौद्ध साहित्य, तो ऐसा नहीं है, संस्कृत साहित्य में ही लिखा गया है। तो एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए बुद्ध चरित्र के माध्यम से। आगे देखते हैं कि प्राकृत साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल है इसका आपका जैन ग्रंथ जितने लिखे गए हैं वो आपके अधिकांशतः, सब देखना अधिकांशतः आपके प्राकृत साहित्य में लिखे गए हैं। उसमें देखिए कौन कौन से हैं, तो ये हैं अंग, उपांग, परिक्रमा, छेदव, सूत्र और मल सूत्र। तो ये जितने ग्रंथ हैं ये किस में लिखे गए हैं, प्राकृत साहित्य में। अन्य देख लेते हैं कि और भी ग्रंथ हैं, जैसे गाथा सप्तशती, ये 300 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी, गाथा सप्तशती की हॉल के द्वारा, हॉल लेखक थे इसके, हॉल के द्वारा लिखी गई थी, 700 छंद थे। तो इसमें जो हॉल के द्वारा योगदान दिया गया था वो केवल 44 छंद थे, बाकी महिला कवियत्रियों के द्वारा भी इसमें योगदान बड़ी संख्या में दिया गया था। तो महिला कवियत्री कौन कौन सी थी, जो पहाई, रोहा, शशि पाहा, महाबी और रेवा, इन्होंने भी इसमें योगदान दिया है। तो अब अगर देखा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्राचीन भारत के या प्राचीन इतिहास का जितना साहित्य है उसमें महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए, तो आप बता सकते हैं कि महिलाओं की भी भूमिका रही है, ऐसा नहीं एकदम नेग्लिजिबल नहीं कर दिया जाए कि शून्य थी उनकी, तो उनकी भी भूमिका रही है इसमें। तो आगे देखिए जैनियों से जुड़े धर्मनिरपेक्ष लेखक देख लेते हैं। तो हेमचंद के बारे में पढ़ेंगे आपके, इन्होंने शब्दकोश और व्याकरण पर ग्रंथ लिखे थे, है ना, जैन ये धर्मनिरपेक्ष लेखक हैं। और हरिभद्र सूरी, ये 8वीं सदी के हैं, तो इन्होंने भी जैन से संबंधित जैन से संबंधित पुस्तकों पे काम किया था, इन्होंने भी ग्रंथ लिखे थे बाद में, ठीक है ना, जो कि धर्म से निरपेक्ष लेखक बोले जाते हैं ये, कि इन्होंने एक निरपेक्ष तरीके से उनको लिखा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये तो समझ आ गई कि एक इनके बारे में, जैन और बौद्ध के बारे में, कि एक बहुत बड़ा आम जन इसको समर्थन दे रहा था, उसमें आपके व्यापारी बहुत बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए ये देख लेते हैं, ये हमारा छूट गया था। देखिए साहित्य दो तरीके के होते हैं, एक तरीके से डिवाइड किया जाए तो, एक तो उपदेशात्मक, एक कथात्मक, ठीक है ना, ग्रंथ। अब इनके बीच में अंतर क्या होता है, तो इससे आपको पता भी लग जाएगा कि उपदेशात्मक क्या है और है क्या है। तो ये देखिए उपदेशात्मक निर्देशक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह पाठक के बुद्धि विवेक चिंतन और आचरण को प्रभावित करने का प्रयास करता है। लेकिन कथात्मक क्या होता है कि यह ग्रंथ विषय के संबंध में सभी आवश्यक जानकारियां देता है, ताकि
कथन में जिस चीज़ की भी चर्चा हो वह पढ़ने वाले को समझाया जा सके या उसके समझ आ सके, उसमें हर चीज़ की जानकारी होती है, ठीक है ना। इसमें दूसरा अंतर है, इसमें उपदेशात्मक का है कि लेखक का उद्देश्य विशेष प्रकार से सोचने के लिए पढ़ने वाले को मनाना, फुसलाना और विवश करना होता है। इसमें क्या होता है इसका उद्देश्य कथात्मक का, तो विषय के संबंध में पढ़ने वाले की रुचि और जिज्ञासा को बढ़ाना और बनाए रखना है इसमें। अब देखिए अगला अंतर है इसमें उपदेशात्मक, सामान्यतः इसका जो प्रयोग होता है वो राजनीतिक या नैतिक समस्याओं के विषय में लिखने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से उपदेशों और धार्मिक ग्रंथों में। और इसमें यह गद्य का सबसे सामान्य प्रकार है कथात्मक, ये कहानी लेखन और उपन्यासों में प्रयोग किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि उपदेशात्मक और कथात्मक साहित्य का या ग्रंथों का वर्णन कीजिए या अंतर बताइए, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो जैसे कि आप लोगों ने डिमांड की थी कि क्वेश्चन बताइए। तो देखिए अब क्वेश्चन ये है आपका, इसमें अभी जो बचे हैं हमारे, जैसे पाली प्राकृत तक हो गया हमारा। अब देखिए कल अगले लेक्चर से तमिल साहित्य और इन संगम साहित्य के बारे में शुरू करेंगे और पूरा हो जाएगा। आप देखेंगे कि मध्यकाल और आधुनिक काल में ज़्यादा इतना मैटर नहीं है, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना रहता, प्राचीन काल ही मुख्य है। तो प्राचीन काल हमारा ख़त्म हो जाएगा जैसे ही संगम साहित्य होगा हमारा पूरा। तो देखिए ये क्वेश्चन है, साहित्य के संदर्भ में ये अंतर बताइए जो कि हमने अभी चर्चा की उपदेशात्मक और कथात्मक ग्रंथों के बीच। दूसरा है, अधिकांश प्राचीन साहित्यिक कृतियां संस्कृत भाषा में हैं, स्पष्ट करें। तो आपको स्पष्ट करना है कि अधिकांश प्राचीन साहित्यिक कृतियां संस्कृत भाषा में हैं। कैसे कैसे बताना है आपको कि शुरुआत ही संस्कृत भाषा से हुई है, ये एक तरीके से भाषाओं की भी जननी है। देखेंगे कि वैदिक युग के ज़्यादातर साहित्य आपके किसमें लिखे गए, संस्कृत भाषा में ही। तो इसके बारे में लिखने के बाद आपको करना क्या है, एक थोड़ा सा नीचे जाके लिखने के बाद ये भी बोलना है कि ऐसा नहीं था कि ये पूरे प्राचीन साहित्य की बात हो रही है, कि ऐसा नहीं था कि केवल संस्कृत में ही साहित्य लिखे गए थे, आपको उसके अतिरिक्त पाली और प्राकृत में भी देखने को मिलते हैं। तो उनका थोड़ा सा बर्डन आप कर देंगे और एग्जाम्पल दे देंगे दो तीन, तो आपके 200 शब्दों में ही लिखने हैं। तीसरा है, प्राचीन साहित्य में पाली और प्राकृत के उपयोग पर संक्षिप्त नोट लिखें। तो आपको 200 शब्दों में संक्षिप्त नोट लिखना है पाली और प्राकृत के उपयोग पर, ठीक है ना। कैसे कैसे उपयोग हुआ, कैसे जो अभी उसका डिटेल में बताया गया चर्चा, उसी पे 200 वर्ड्स का क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप करते रहते हैं 20 से 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लिख लेंगे तो आपको मेंस में वहीं से सब मिल जाएगा, कहीं अलग से नहीं आएगा, ठीक है ना। इनकी चर्चा हम तीन की बाद में करेंगे जब हमारा आगे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, जो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, जिससे कि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच।